बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्वेरीज़ हैं हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, जिनके आंसर जो हैं वो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने कहा है कि हम आज एक वीडियो इसके ऊपर कर लेते हैं। नंबर वन, एक क्वेश्चन है कि परमानेंट डोनर एरिया जो हेयर ट्रांसप्लांट में है वो क्या होता है। परमानेंट डोनर एरिया पर बात करना, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देती हूँ कि आपने एजड लोग देखे हैं, जैसे 70-80 ईयर्स इवन देखे होंगे, तो आपने देखा है कि एक स्पेसिफिक सी स्ट्रिप होती है जो उनके बैक ऑफ द हेड पर बालों की रह जाती है। साइड्स खत्म हो जाते हैं, फ्रंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन बैक ऑफ द हेड पे एक स्पेसिफिक एरिया रह जाता है, एंड दैट इज द एक्चुअली परमानेंट डोनर एरिया। रीजन इज दैट के जो मेल हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, जो कि बाद में डीएचटी में चेंज होता है, और डीएचटी के जो है एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बालों में मौजूद होते हैं, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, तो वो वहां पे एआर रिसेप्टर्स नहीं है एक्चुअली, और वो वहां पे डीएचटी का रोल नहीं है, वहां पे डीएचटी जो है वो असर नहीं कर रहा है। तो बाकी पूरे हेड पे चूंकि एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं और वहां पे नहीं है, तो वहां पे डीएचटी का रोल नहीं है, और डीएचटी इज द मेन फैक्टर इन मेल्स जो के बाल जो है वो गिरा देता है, जो अभी मैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात कर रही हूं, हेरिडिटी में जो आता है फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, बाकी रीजंस पे बात नहीं कर रही हूं। तो ये डोनर एरिया परमानेंट और वहां से बाल नहीं गिरते हैं, तो इसी को बचाने के लिए हमने पहले बहुत वीडियोस की हुई हैं कि अर्ली एज में हेयर ट्रांसप्लांट ना करें, या अगर करें तो फिर FUT की तरफ चले जाएं, ई ना करें, या अगर ई भी कर रहे हैं तो फिर डोनर एरिया को ज़ाया ना करें, ताकि वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक बाल होते हैं जो हमें लेने होते हैं, तो ये ना हो कि वो एरिया ज़ाया हो जाए। अच्छा, परमानेंट डोनर एरिया के का रीज़न की पूछा गया था कि परमानेंट डोनर एरिया क्या होता है, वो मैंने आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया एरियाटा। अब ये इतने वास्ट टॉपिक हैं कि इसके ऊपर से अलहदा वीडियोज़ होनी चाहिए। मैंने एलोपेशिया एरियाटा पे काफ़ी वीडियोज़ की हैं अपनी, और ट्रीटमेंट जो होता है एलोपेशिया एरियाटा का, वो सबको पता है कि परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है, समटाइम पैची लॉस होता है, समटाइम जो है वो ज़्यादा पैचेस हो जाते हैं, समटाइम तो एक पैच होता है जिसको हम कॉइन लाइक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद वो वही पैच बड़ा हो जाता है, समटाइम ज़्यादा पैचेस हो जाते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि जब वो बल्डनेस है वो टोटलिस हो गई, यानी कि पूरा का पूरा स्कैल्प के बाल उड़ गए हैं, समटाइम ये होता है पूरी बॉडी के यूनिवर्सलिस एलोपेशिया हो जाता है। सो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, कभी ये भी होता है कि खुद ब खुद एक पैच बना और थोड़े दिनों के बाद वो रिवर्स हो गया और वहाँ पे बाल आ जाते हैं, ये भी एक एलोपेशिया एरियाटा की टाइप है। और समटाइम ये होता है, अच्छा, इसके ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, जो कि वही हैं जो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, कि जैसे कोई मेडिसन जो है उसका इफेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन का इफेक्ट हो सकता है, फीमेल में चाइल्ड बर्थ का हो सकता है, लाइफ स्टाइल्स है, ट्रामा है, डाइटिंग फैक्टर है, ये सारे फैक्टर भी यहाँ पर ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसके बाद ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि ये ऐसी डिजीज़ है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और बॉडी की खुद ब खुद जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर ये वाली डिजीज़ जो है वो ट्रिगर कर जाती है। इस तरह की और बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, लेकिन अभी हम एलोपेशिया एरियाटा पे बात करें। समटाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि स्टीरॉयड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो इसको रिस्पॉन्स करती हैं टू सम एक्सटेंट, और समटाइम नहीं भी कर रही होती। सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बेहतर यही है कि जिसको भी एलोपेशिया एरियाटा का प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कर लें, ताकि उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, इसके बाद है कि वाइट हेयर में जो अर्ली एजेस में वाइट हेयर हो जाते हैं उनके क्या रीज़न है, वाइट हेयर इन अर्ली एजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। अर्ली एजेस में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं जैसे एक मिसाल देती हूँ कि मल्टी वाइटामिन या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई, सपोज कि वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गया, अब B12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स की जो ग्रोथ है और फंक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है, उसमें उसकी ऑक्सीजन कैरिंग, जितना ज़्यादा हेल्दी रेड ब्लड सेल होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा ब्लड जो है वो फिर सर्कुलेट करेगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो सेल्स हैं वो अपने फंक्शन करेंगे। तो इसकी वजह से भी, डेफिशिएंसी की वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन रुक सकती है। मेलानिन एक वो हार्मोन है या पिगमेंट है जो कि हमारे हेयर को, हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को ब्लैक कलर देता है या कलर देता है, तो अगर मेलानिन डिक्रीज हो जाएगा या मेलानिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अर्ली एज में अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हम उन्हें मल्टी विटामिन या जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी है, जो भी कॉज है या जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स को हटाया जाए,
तो वो स्टॉप भी हो सकता है, वो वापस भी ब्लैक हो सकते हैं अगर मेलानिन की प्रोडक्शन ठीक हो गई, या एटलीस्ट ये जरूर हो सकता है कि नए बाल जो है वो वाइट ना हो। बट वंस विद द एज अगर आपके बाल वाइट हो गए हैं तो फिर मेलानिन की प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एजिंग प्रोसेस है। अच्छा, एक्सप्लेन हेयर फॉल ट्रीटमेंट फॉर ऑफिस गोइंग लेडीज। ऑफिस गोइंग लेडीज के लिए ट्रीटमेंट हेयर फॉल का ये है कि वो अपना कॉज देखें। ब्रीफली बता देती हूँ कि जब ऑफिस गोइंग खवातीन जो होती हैं उनमें डाइटिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, डाइट डेफिशिएंसीज होती है। ये नहीं कि वो डाइटिंग कर रही होती हैं, एक्चुअली उनके टाइमिंग्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, और फिर वो जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं, घर का खाना भी नहीं ले रही होती, समटाइम्स नाश्ता स्किप हो रहा होता है, जो कि ब्रेकफास्ट स्किप करना मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ के लिए सबसे बड़ा हैजर्ड होता है, क्योंकि आप 8 घंटे या 7 घंटे के फास्टिंग होते हैं, क्योंकि आपने रात को सोए होते हैं तो खाना तो नहीं खा रहे होते हैं, तो ब्रेकफास्ट बहुत मस्ट है, और वो वाला वो स्किप कर देती हैं। अच्छा, फिर वो घर से बाहर जाती हैं, ऑफ कोर्स तो सनरेज ऑफ आपको पता है यूवी ए और यूवी बी रेज जो हैं वो बालों और स्किन दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इसके अलावा पोल्यूशन है, रेस्ट नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है काम का, ये सारे फैक्टर बाल गिरा सकते हैं, स्किन को ख़राब कर सकते हैं, तो ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। आप इनको स्टॉप करने की पहले कोशिश करें, फिर बाद में तो तकरीबन 70-80% ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर खवातीन आयरन जो है वो रेगुलर लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, पोल्यूशन से बचें, हेड को कवर करके जाएं, स्किन पे सनब्लॉक लगाएं, तो बहुत सारे रीजंस तो यहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद मेडिसिन खानी चाहिए। बिल्कुल खानी चाहिए, और द रीज़न इज़ दैट पहले 3-4 दिन तो डॉक्टर आपको वो मेडिसिन देगा जो कि एंटीबायोटिक्स होंगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी होंगी, ताकि सूजन ना हो, ताकि इन्फेक्शन ना हो, और हेल्दी स्किन रहे स्कैल्प की बाल लगाने के बाद। उसके बाद हमेशा मैं भी कहती हूँ, डॉक्टर आना इरफान की आपने बहुत सारी वीडियो सुनी है, वो भी यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपने हमारे साथ बाल लगाने के बाद कम से कम 1.5 साल इन टच रहना है। 1.5 साल आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ इन टच रहना है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ इन टच रहें। अगर आप पाकिस्तान में रिमोट एरिया में हैं तो एटलीस्ट व्हाट्सएप पे रहें, और फिर 6 महीने में या 3 महीने में ज़रूर चक्कर लगाएं। लेकिन लोकल लोगों को हम 2 मंथ्स के बाद ज़रूर बुलाते हैं, उनमें हम हेयर ग्रोथ की मेडिसिन भी देते हैं, उसमें हम आपको ऑब्वियसली दोबारा से माइनोक्सिडिल फेनेस्ट्राइड पर ज़रूर डालेंगे, ताकि आपके बालों की ग्रोथ जो हमने लगाए वो भी अच्छे हों, जो शॉक लॉसेज हैं वो भी ना हों, और जो वेलनेस हेयर हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। और भी इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, हम ज़रूर देते हैं इसके साथ में। और अगर किसी को खुदा ना करे कोई इन्फेक्शन या डायबिटिक पेशेंट है, हम उसकी हेल्थ के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से उसको अलहदा से डाइट चार्ट्स और प्लानिंग दे रहे होते हैं, उसके अलावा उसको गाइड कर रहे होते हैं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि शुगर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, या कोई और बीमारी है खुदा ना खास्ता, उसको कार्डियक प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें भी बालों की ग्रोथ को स्टॉप कर सकती हैं, तो हम वहाँ पे भी गाइडलाइन दे रहे होते हैं। सो बिल्कुल ज़रूरी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ ज़रूर लेनी है, और केयर बहुत करनी है। PRP का कॉम्बिनेशन है वो भी साथ में करना है। स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए उसको नीट क्लीन रखना है, डॉक्टर के बताए हुए शैम्पूज इस्तेमाल करने, ये सारा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और लास्ट में क्वेश्चन है कि बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट से मुतालिक, मतलब कि बॉडी के हेयर जो होते हैं वो हेयर में हेड में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हो सकते हैं, लेकिन उनकी वो ग्रोथ, वो टेक्स्चर, वो पैटर्न नहीं होगा जो कि हेयर का स्कैल्प में होता है, क्योंकि आप भी देख रहे होते हैं कि अगर फ़र्ज करें कि हम चेस्ट के बाल भी लेके लगाते हैं तो उनकी कैलिबर भी बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत बारीक होते हैं, थिन होते हैं, उसका टेक्सचर भी वो कर्ली होते हैं, उसकी ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि हेड के हेयर की होती है। सो अगेन उनका एनर्जन टेलोजन और कैटाजन फेस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्कैल्प, और उनके ऊपर DHT का इफेक्ट भी डिफरेंट है, और ये सारे बातें डॉक्टर के समझने की हैं, और डॉक्टर अगर ज़रूरी समझता और कहीं पे डोनर एरिया में बाल नहीं है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो बॉडी हेयर ले लिए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये काम किया जा रहा है, लेकिन इनका वो टेक्सचर नहीं होगा जो हेयर में होता है। थैंक यू सो मच।